पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाच्या चर्चेला उत्तर दिलंय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल केलाय. यावेळी त्यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावर अप्रत्यक्ष टीका करताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचं तोंड भरून कौतुक केलंय. कोणाकडून नाही तर किमान शरद पवार यांच्याकडून तरी शिका असा टोला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसच्या खासदारांना लगावलाय. किसी से नहीं सीखते तो शरद राव से सीखो. मैंने देखा है शरद राव इस उम्र में भी अनेक बीमारियों के बीच भी क्षेत्र के लोगों को प्रेरणा देते रहते हैं. हमें निराश होने की जरूरत नहीं भाई. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी सायंकाळी लोकसभेत विरोधकांवर हल्लाबोल केला होता. आजही राज्यसभेत त्यांनी विरोधकांवर टीकास्त्र सोडले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना काळातील घटनाक्रमांवर भाष्य केलंय. लेकिन आदरणीय सभापती जी, कभी आत्मचिंतन करने की जरूरत है कुछ लोगों को. जब कोरोना की ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, सरकार की तरफ से विस्तार से प्रेजेंटेशन देना था और एक तरफ से कोशिश की गई कि कुछ दल न जाए, उनको समझाने की कोशिश हुई और खुद भी नहीं आए, ऑल पार्टी मीटिंग का बहिष्कार किया. और मैं शरद राव जी का फिर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा. शरद राव जी ने कहा, देखिए भाई, ये कोई यूपीए का निर्णय नहीं है. मैं जिस जिसको कह सकता हूं मैं कहूंगा और शरद राव जी आए, बाकी टीएमसी सहित सभी दल के लोग आए और उन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव भी दिए. ये संकट देश पर था, मानव जात पर था, उसमें भी आपने बहिष्कार किया. ये पता नहीं आपके एडवाइजर कौन है जी, कौन कहां से आप सलाह लेके आते हैं. आपका भी नुकसान कर रहे हैं जी. देश रुका नहीं, देश चल पड़ा. आप अटक गए और हर एक को आश्चर्य हुआ. सब लोग आप दूसरे दिन के अखबार देख लीजिए, क्या आपकी आलोचना हुई, क्यों ऐसा किया. ब्यूरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र न्यूज 24.